हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम 26 सितंबर 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बने हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे और लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको एक कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार द्वारा किए गए स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा जाए तो ये पुरस्कार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। अगला सवाल। हाल ही में महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा सद्भावना राजदूत किसे चुना गया है? तो हाल ही में माधुरी दीक्षित को हैं जो महाराष्ट्र में मतदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सद्भावना राजदूत चुना गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी माधुरी दीक्षित को निर्वाचन कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र में सद्भावना राजदूत चुना गया है। अगला सवाल। हाल ही में 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मणिपुर टीम ने है जो 25वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है और यह उनका 20वां खिताब भी था। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मणिपुर टीम ने 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है और वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। अगला सवाल। हाल ही में 2019 के लिए गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हाल ही में 2019 के लिए गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार एडम हार्पर को दिया जाएंगे जो एक इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और यह पुरस्कार हर साल 32 वर्ष के कम आयु के दुनिया भर गणित में उसको दिया जाता है जो प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन के प्रभाव वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब अंत में अभ्यास सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड की सदस्यता हासिल की है? तो इस सवाल का कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें अब बहुत मोटिवेशन मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।